इतना गड्ढा हो गया। रिम देखो, रिम नहीं दिखाई दे रहे। हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज कल यार मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ उठने में, तो 10-11 बजे उठता हूँ ऐसे। इधर रोने कहने मतलब देखो, ब्लॉग कब शुरू कर रहा हूँ तो भाई मॉर्निंग में करना चाहिए था, बट अभी 4-5 बज गए तो अब कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी देर तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो आपको पता है, ये तो टाइम नहीं होने के कारण मुझे अब शुरू करना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में यार क्या करें, कुछ बैठे बैठे तो, क्योंकि मेरे को थोड़ा घर पे भी यानी कहने मतलब घर पे बैठा के चले गए कि घर पे रह तो आज थोड़ा काम था फैमिली वालों के, और तो इसलिए मैं अकेला ही हूँ। तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो यार मैं कुछ सोच रहा हूँ कि स्कूटी पे 1-2 स्टंट, जे ऐसे स्टंट जो है ना आपको कहने मतलब जो छपरी भी ना बनाए, और ऐसा स्टंट जो आपको खुली जगह में कर सकते हो। तो वैसे देखते हैं कि कौन सा स्टंट करते हैं या कौन सा स्टंट नहीं करते। वैसे देखो इससे ही करेंगे अभी, तो इससे करेंगे। और नाइट में ना हमारे वो आ जाएगी स्प्लेंडर मेरे दोस्त की, तो कहने मतलब उसने बोला है कि कोई ना तो वीडियो वीडियो बना लेना, तो इसलिए ये सोच रहा हूँ। तो चलो पहले तो हम देखो कहाँ पे मनाए, तो सोचा यहाँ पे मना लो ना घर पे। तो यहाँ पे तो नहीं आया, लोकेशन अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो घर पे तो अच्छी नहीं है। तो सोच रहा हूँ मैं जहाँ मैं ले जाऊँगा अभी, तो पहले वहाँ पे ले चलो चलते हैं ये एक्टिवा को की रही, और इसको स्टार्ट करके वहाँ पे ले जाते हैं की रही हो, तो वहाँ पे ले जाके फिर सोचेंगे कि खुली जगह में, क्योंकि यहाँ पे वैसे यार एक काम अच्छा है स्टंट करने के लिए, कि है ना कहने मतलब है ना, रेत है तो गिरने तो कोई दिक्कत है नहीं, उतनी टूटने वाली है नहीं कि एक्टिवा के कुछ नुकसान हो जाए, वो तो बात है ही नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे सोच रहे हैं यार, यहाँ पे ऐसा स्टैंड चलो यहाँ पे खड़ी कर देते। यहाँ पे देख लो एक बार, पहले आपको मेरी एक्टिवा दिखा देता हूँ। इसका ही बनाना पड़ेगा क्या? साइकिल का ही वीडियो बनाना पड़ेगा। देखो भाई ये कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है? ये स्प्लेंडर है, साइकिल नहीं है क्या? तो ये बात है। तो इसको अब क्या कैसे कर रहा था, देखो टायरों कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा था। हाँ देखो 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 ऐसे ऐसे बघा रहा है, रेत बघा रहा है। देखो हाँ देखो देखो अब तो खड्डा वगैरह कहने मतलब खड्डा हो गया, क्योंकि ये 4 टायर वाली है ना, तो इसलिए गिरता तो है नहीं। और ये देखो खेल खेल लेता आपसे। भाई भाई देखो भाई, हाँ कैसे कैसे कर रहा था, और कर देखे और देखो ऐसे देखो, जैसे जैसे इसकी तरह ना हम नाइट में करने वाले हैं आज वो भी। तो गाइस स्टंट करने के लिए यहाँ से सही रहेगा, क्योंकि नीचे से जितना अच्छा होता ना वहाँ उतना अच्छा सूट होता है। तो ये रही हमारी एक्टिवा, थोड़ा पीछे लाते हैं और यहाँ पे इसको कहने मतलब स्टैंड करना सीखेंगे, छोटा मोटा ही सीखेंगे लेकिन सीखेंगे ज़रूर। तो एक्टिवा को ऑन करते पहले, देखो मैं देखो तो थोड़ा पीछे लेके आ जाता हूँ ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, तो इतने में घूम जाएगी या नहीं घूमेगी थोड़ा साइड में करना पड़ेगा आगे लेकर इतना। तो इधर थोड़ी साइड में, पहले इसको साइड में ले लेते हैं। तो ये लग गई है भाई एक्टिवा यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नॉर्मल स्टैंड करने वाले हैं जिससे कि हमारे एक्टिवा को भी नुकसान ना हो, ताकि आगे के लिए हम छपरी ना बन पाए। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठना है सिंपल सी, तो यहाँ ऑन करी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बैठ जाऊँ ना, तो यहाँ से यहाँ पे पैर रखने वाला होता है ना वहाँ पे बैठना है, आप कुछ नहीं करना सिंपल। यहाँ पे ऑन करी तो
गाइज हमने यहाँ पे घुमाने की कोशिश करी थी, यानी कि वीडियो नहीं बना था, तो हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। देखो ऐसे तो घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो घूम जाती है, वैसे नहीं घूमती है। तो पहले एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि भाई एक बार में हार नहीं माननी चाहिए। तो वापस स्टैंड को स्टैंड पे लगाते हैं इस कैमरे को और फिर स्टार्ट कर। तो गाइज अब लगा लिया है, देखो हम कैसे कर रहे थे, अब वापस बैठ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे, थोड़ी आगे ले लेता हूँ तो भाई, क्योंकि पहले वाले में है ना मिट्टी वगैरह हो गई है ना, तो ऐसे तो होता ही। तो हम ऐसे बैठते हैं सिंपल तरीके से, ऐसे इस प्रकार बैठने का प्लान है, और अभी इस प्रकार घुमा लेंगे तो घुमा के चेक करेंगे। हम यहाँ घुमाने की सोच रहे हैं, बाकी मैंने क्या है ना कि स्कूटी पे ज़्यादा स्टंट किए नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे यार थोड़ी देखो इधर से मैं दिखा देता हूँ, इस ज़्यादा मिट्टी नहीं है क्योंकि, तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ी अच्छी लग रही है मेरे को, तो यहाँ पे हम बनाएंगे। तो पहले लकड़ी वगैरह इसको साइड में कर देते, चप्पलें वगैरह है पुरानी मेरी तो साइड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्लियर है जगह, और कैमरे को कहाँ पे यहाँ पे रख देंगे, शायद बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे बनाने की सोच रहे हैं, कैमरा तो सेट कर दिया है और हम लेके आते फटाफट एक्टिव। तो गाइस हम सोच रहे हैं अब देखो इधर इस मुँह ऐसे करने की, क्योंकि उधर से तो नहीं हुआ, और इस पे आने अब इधर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना रेस भी सही रहेगी। ऐसे बैठना है मेरे को, यहाँ पे तो है ना जगह नहीं है भाई बैठने के लिए, सही बताओ ना। देखो चलो इस अब स्टार्ट करते हैं। वैसे नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ना ये वापस कहने मतलब बहुत ना लूज है, तो इस प्रकार हो जाता है चलते, तो इस पे तो नहीं कर सकते। देखते हैं ये है, इस पे ट्राई करते हैं एक बार के लिए, और ट्राई करते वैसे और ट्राई मैंने ट्राई तो कर लिया है। नहीं यार यहाँ पे नहीं बैठे जाएगा सही से, बैठा ही नहीं जाएगा तो स्टैंड होंगे कैसे तो ये बताओ। तो चलो इससे तो ट्राई नहीं करते हैं, अब हम ट्राई करें की बार थोड़ी पावरफुल बाइक या स्कूटी जो भी कह सकते हो, देख के बोल देना कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए हमने पहले हेलमेट जरूरी है, सेफ्टी है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है, बहुत ही ज़्यादा कहने मतलब आप है ना देख के एक बार हैरान हो जाओगे। तो पहले हेलमेट पहनते हैं और पहले सेफ्टी का ध्यान रखते हैं इस प्रकार। तो गाइज हमने हेलमेट पहन लिया, अब इसको लाते फटाफट से, वेट नहीं कराते हैं, पावरफुल आने वाली है और आगे से उठेगी, जिस प्रकार स्टैंड करना है वैसे कर सकते हैं, इसको हवा में भी करेंगे। तो चलो चलते हैं।
उसको लेके आते फटाफट से। एक दो तीन, देखो ये आ गई। क्या लेके आ गए, इस पे करेंगे स्टैंड। तो इस पे तो हो सकता है। तो सबसे पहले देखो पहले वाला स्टैंड, ओ नीचे गिर, ओ भाई भाई गिरा दिया भाई, गिरा दिया इसने ना। तो इस प्रकार नहीं हो रहा था ना ये इस पे, तो मैंने बोला था ना कि वहां पे उड़ा सकते हैं। देखो ऐसे उड़ा सकते हैं मौका में इसको ऐसे। भाई ये गिराएगी ऐसे, ऐसे गिरा सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। भाई भाई मैं तो नीचे बैठ रहा हूँ भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसको घुमाते वैसे, एक टायर वैसे नहीं घूम रही है क्या? देखो ऐसे ऐसे ये तो घूम सकती है। तो अब मिलते हैं स्प्लेंडर पे, इससे भी नहीं ट्राई हो रहा है, और स्प्लेंडर को अच्छी तरीके से घुमाएंगे, ये हमारा वादा है। गाइस ये एक और न्यू बाइक आ चुकी है हमारे ग्रुप में, तो इसको देखेंगे क्या है। देखो यार सबसे ये ओल्ड मॉडल है, 2011 का मॉडल है, बट इन्होंने चलाई नहीं थी, यानी लेने के बाद में थोड़ा ये तो बच्चों ने तोड़ दिया और इन्होंने चलाई नहीं थी। ये मेरे फ्रेंड की है, तो इसका आज थोड़ा टेस्ट वेस्ट करेंगे कि क्या है कैसा नहीं है परफॉर्मेंस है, यानी 2011 से अभी बन रही बाइक का क्या परफॉर्मेंस है क्या परफॉर्मेंस नहीं है। ओ चलो चलते, और पहले इसका पूरी दिखा देता हूँ कैसी है कैसी नहीं है। तो गाइस जब हमारी स्प्लेंडर लेके हम जा रहे हैं कि कहाँ पे अच्छी जगह मिल जाए, तो उसमें स्टैंड विस्टैंड करेंगे कि स्प्लेंडर में पावर कितना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगले वाले बंदे ना तो कुछ यूज़ भी नहीं है। तो हमारे हाथ हाथ लगी, हमारे हाथ लगी मतलब आपको पता ही है क्या होता है ये। तो ये इसको हाथ तो नहीं लगना चाहिए था, ये गलत हाथ से लग गई, बट क्या करें जो गलत हो गया तो हो गया भाई, लगी क्यों थी ना। ये दर्द आ रही है ऐसे, तो अब जगह देखते हैं लोकेशन वगैरह जहाँ पे हम अच्छे से घुमा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट रहेगी वहाँ पे है ना, तो वहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे स्टैंड वगैरह करेंगे, देखिए क्या सीन है क्या नहीं सीन है। ओ यार हाँ है ठीक यार, चलो यहाँ पे ही करेंगे। ओ कैमरा मैन उतर, बेहतर ही नहीं। देखो गाइस देखो आस पास में देखो, और यार देखो भाई अब देखो गाइस किस से देखो तो कितना गड्ढा हो गया। रिम देखो, रिम नहीं दिखाई दे रहे इसके, अरे यार वापस गए में चली गई है गाइस। अरे कैमरा मैन को दे दिया ना। तो गाइस ये है ना बाइक थोड़ी हिट हो रही थी, और ना अभी मैं हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि नाइट का टाइम है, तो घर पे जाना पड़ता है आपको पता ही है, तो इसलिए इतना ही दिखा भाई। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ना ज्वाले की लेवल से दिखाएंगे, और इसकी थोड़ी क्लच प्लेट मेरे को डाउन लग रही है क्योंकि एक बंदे में आगे से नहीं उठ रही था, कितने स्पीड में यानी कितनी उठाने की कोशिश कर लो लेकिन आगे से नहीं उठेगी तो नहीं उठेगी भाई। यह है कि आज नहीं करेंगे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे, और कुछ अलग और कुछ हटके आपके लिए लेके आएंगे। हर दिन आपका हमारा यही है कि अलग से अलग आपको दिखाए और कुछ यूनिक चीज़ दिखाए।